हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज में आज हम बात करेंगे जर्मन शेपर्ड वर्सेस डॉबरमैन के बारे में। तो जर्मन शेपर्ड वर्सेस डॉबरमैन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जर्मन शेपर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है। इन्हें एज अ हर्डिंग डॉग ब्रीड किया गया था ताकि भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को घास चराते वक्त उन्हें एक साथ झुंड में रखने में मदद कर सके। जर्मन शेपर्ड को आज के टाइम में पुलिस वर्क और बॉम्ब डिटेक्शन जैसे कई कामों के लिए यूज भी किया जाता है। डॉबरमैन का ओरिजिन भी जर्मनी से है। इन्हें 1890 में कार्ल डॉबरमैन ने एज अ गार्ड डॉग ब्रीड किया था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद डॉबरमैन की ब्रीडिंग बहुत मुश्किल हो गई थी और डॉबरमैन की पॉपुलेशन भी बहुत कम रह गई थी। तब वार्नर जंग नाम के एक डॉग ब्रीडर ने डॉबरमैन को ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में स्मगल किया और डॉबरमैन की ब्रीड को बचाया विद फैमिली एंड किड्स। जर्मन शेपर्ड और डॉबरमैन दोनों अपनी फैमिली के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव डॉग्स होते हैं। किसी भी स्ट्रेंजर या दूसरे डॉग से खतरा होने पर ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे उसमें इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये दोनों डॉग अपने ओनर के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल भी होते हैं। अर्जेंटीना में कैपिटन नाम का एक जर्मन शेपर्ड है जो अपनी मालिक की ग्रेव को 6 साल से प्रोटेक्ट कर रहा है, वो भी हर रोज़। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो जर्मन शेपर्ड आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि कुछ केसेस में डॉबरमैन छोटे बच्चों के लिए एग्रेसिव भी हो जाते हैं। हाइट में डॉबरमैन जर्मन शेपर्ड से ज़्यादा बड़े होते हैं। जर्मन शेपर्ड की हाइट 23 से लेके 26 इंचेस तक होती है और डॉबरमैन की हाइट 25 से लेके 28 इंचेस तक होती है। जर्मन शेपर्ड और डॉबरमैन दोनों ही लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है। वेट, जर्मन शेपर्ड का वेट डॉबरमैन से ज़्यादा होता है। डॉबरमैन का एवरेज वेट 34 kg है जबकि जर्मन शेपर्ड का एवरेज वेट 40 kg है। लाइफ स्पैन, जर्मन शेपर्ड की एवरेज लाइफ स्पैन 9 से लेके 13 साल तक के बीच होती है और डॉबरमैन की एवरेज लाइफ स्पैन 10 से लेके 13 साल तक के बीच होती है। इन दोनों डॉग्स का लाइफ स्पैन ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से रखेंगे और इनकी अच्छी तरह केयर करेंगे। प्राइस, जर्मन शेपर्ड की प्राइस 14,000 से लेके 18,000 तक के बीच होती है और डॉबरमैन की प्राइस 15,000 से लेके 21,000 तक के बीच होती है। अडेप्टिबिलिटी, डॉबरमैन को ठंडे वेदर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन जर्मन शेपर्ड ठंडे वेदर में भी आसानी से रह सकते हैं। जर्मन शेपर्ड और डॉबरमैन दोनों बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड है, इसलिए इन्हें रहने के लिए भी ज़्यादा बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है। इन्हें या तो मीडियम साइज़ या फिर बड़े साइज़ के अपार्टमेंट में रखना चाहिए। ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन, जर्मन शेपर्ड और डॉबरमैन दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है और इसीलिए ये आसानी से ट्रेन भी हो सकते हैं। जर्मन शेपर्ड को आप कई कामों के लिए ट्रेन कर सकते हैं, जैसे पुलिस वर्क, बॉम्ब डिटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस और कई और। लेकिन डॉबरमैन भी बहुत ही हाईली ट्रेनेबल होते हैं और इन सब कामों के लिए वो आसानी से ट्रेंड हो सकते हैं। डॉबरमैन जर्मन शेपर्ड से ज़्यादा एक्टिव डॉग्स होते हैं और इसीलिए इनको जर्मन शेपर्ड से ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर आप सुबह उठ के जॉग पे जाते हैं तो डॉबरमैन आपके लिए परफेक्ट कंपेनियन बन सकते हैं। डॉबरमैन और जर्मन शेपर्ड दोनों को सोशलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप इन्हें बचपन से ही दूसरे डॉग्स और ह्यूमंस के साथ सोशलाइज करें ताकि बड़े होने पर ये दूसरे डॉग्स पे बेमतलब अटैक ना करें। वॉच डॉग एबिलिटी, वैसे तो ये दोनों डॉग्स ही अच्छे गार्ड डॉग और वॉच डॉग होते हैं लेकिन डॉबरमैन जर्मन शेपर्ड से थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। डॉबरमैन हर आने वाले खतरे के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। शेडिंग एंड कोट कलर, डॉबरमैन का शॉर्ट कोट होता है और इन्हें मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। इन्हें रेगुलर ग्रूमिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन जर्मन शेपर्ड का लॉन्ग कोट होता है और शेडिंग सीजन के दौरान इनके बहुत बाल झड़ते हैं और उस वक्त इन्हें रेगुलर ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत होती है। डॉबरमैन कई कोट कलर में पाया जाता है, जैसे ब्लैक, वाइट, फॉन, रेड, रेड एंड रस्ट, फॉन एंड रस्ट और ब्लैक एंड रस्ट। जर्मन शेपर्ड भी कई कोट कलर में पाया जाता है, जैसे ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, रेड एंड ब्लैक, ग्रे, सेबल और ब्लैक एंड सिल्वर। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड जर्मन शेपर्ड वर्सेस डॉबरमैन के बारे में। और पॉपुलर डॉग वर्सेस डॉग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।